हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं वही हूँ, वही जिसका नाम नीरज था। अरे अभी भी नहीं पहचाना। Nope. ये देखो, इतने छोटे छोटे अक्षरों में मेरा नाम लिखा हुआ है। ये मेरा ही घर है। क्या अभी भी आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और खास चीज से मिलवाता हूँ, तब तो आप मुझे पहचान ही लोगे। आइए मिलवाता हूँ, इधर आ जाइए, मेरे पीछे पीछे आइए। अरे दरवाजा ब्लॉक हो गया था। चलो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और यहाँ पे मेरे घर के आंगन में ये रहा वो आदमी। इसको तो पहचानते होगे आप। Nope. इसे भी नहीं पहचानते। ये मेरा फेविकॉल है, कुछ याद आया आपको। Nope. हाँ मैं वही हूँ जिसका फोन चोरी हो गया था वड़ा पाव खाते खाते, और मैं पुलिस स्टेशन गया था और सारा झमेला हुआ था, और बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे अपना फोन वापस मिला था। मैं वही नीरज हूँ। और ये फेविकॉल मेरे पीछे क्या कर रहा है। ओए फेविकॉल, क्या कर रहा है, तुझे भूख तो नहीं लगी ना, अभी थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया था तूने। चलो कोई नहीं, आइए बाहर जाके देखते है, मेल बॉक्स चेक करते है, किसी का मेल वगैरह, किसी का कार्ड वार्ड आया है कि नहीं। तो ये रहा हमारा मेल बॉक्स, देखते है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। ओ, किसी का मेल आया है, आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। There is treasure in your Bollywood city. क्या बात है, हमारे Bollywood city में treasure है। चलो आगे पन्ने पलटते हैं। पन्ने क्या पलट रहे हो, जाओ treasure को ढूंढो, नहीं तो पुलिस को बता दूंगा। अरे ये धमकी दे रहा है या हमारी हेल्प कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर हमारी Bollywood city में treasure है तो वो कहाँ पे है, और ना ही कोई क्लू दिया है इसमें। कोई तो क्लू होना चाहिए इसमें। आइए वापस से देखते हैं कि क्या है इसमें, शायद कोई क्लू मिल जाए। देर इज ट्रेजर इन योर बॉलीवुड सिटी, हाँ वो तो समझ में आ गया कि हमारी सिटी में ट्रेजर है। पन्ने क्या पलट रहे हो, जाओ ट्रेजर को ढूंढो, नहीं तो पुलिस को बता दूंगा। इसमें शायद कोई क्लू छुपा हुआ हो सकता है, पुलिस को बता दूंगा। हाँ अब समझ में आया, शायद ये हो सकता है कि कोई क्लू हमें पुलिस स्टेशन में मिल जाए, या फिर पुलिस स्टेशन में ही हमें कोई ट्रेजर मिल जाए। तो आइए पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाके देखते हैं कि वहां पे क्या है। तो फिलहाल मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मेरा फेविकॉल है, उसे ही साथ ले जाऊंगा। तो चलो सीधा फेविकॉल के पास, आई होप कि वो भाग ना गया हो। चलो दरवाजा तो बंद था, वो कहीं पे भागा नहीं होगा। आजा फेविकॉल बेटे, आज तेरी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन पे, मैं अपना फेविकॉल लेके जा रहा हूँ। ये फेविकॉल आज कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहा है। सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और देखते हैं कि क्या खजाना वहां पे मिलता है, या फिर वहां पे मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे पुलिस स्टेशन का रास्ता किधर है, ओ भाई मैं पुलिस स्टेशन का रास्ता ही भूल गया। लॉल, पुलिस स्टेशन का रास्ता किधर है। हाँ इस तरफ है हमारा पुलिस स्टेशन। चलो सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन पे, और यहाँ पे भाई कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा। चलो ये अच्छी बात है मेरे लिए, मैं काम करता हूँ, अपना फेविकॉल यही रोड पे छोड़ देता हूँ, फिर जाता हूँ अंदर। तो फेविकॉल तुम इधर ही रहना, मैं आता हूँ ट्रेजर को ढूंढने के बाद। अरे कहाँ भाग रहे हो, इधर ही कहीं घूमो भाई। ओए आगे मत जाओ, बस उधर ही रहना। हाँ जा घास खा ले, जा घास खा ले तू। तो चलो सीधा मैं जाता हूँ अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर, और जाके देखता हूँ कि ट्रेजर कहाँ पे हो सकता है। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई पुलिस वाला तो है नहीं। फिलहाल दोपहर का समय है तो शायद यहाँ पे कोई पुलिस वाला होगा नहीं, आई थिंक कोई पुलिस वाला इधर नहीं है। तो आइए, ये यहाँ पे कंप्यूटर है, शायद कंप्यूटर में हमें कुछ मिल सकता है, आइए जाके देखते हैं। ओ भाई ये तो किसी चेस्ट का फोटो है, लेकिन पुलिस स्टेशन में हमें चेस्ट कहाँ पे मिलेगी। आइए यहीं कहीं ढूंढते हैं, शायद यहाँ पे कहीं मिल जाए। यहाँ पे तो जेल बने हुए हैं, जेल के कमरे हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई कैदी नहीं है, लगता है हमारी बॉलीवुड सिटी में क्राइम होना बंद हो गए है। तो आइए सीधा चलते हैं यहाँ पे। ओ ये वही चेस्ट है जो हमें वहां पे कंप्यूटर में दिखी थी, आइए शायद इसमें कुछ हो सकता है, इसे खोले या ना खोले। चलो खोलते हैं। ओ भाई इस चेस्ट में तो देखो क्या है, यहाँ पे कुछ इमेज बनी हुई है। ये इमेज मैंने कहीं पे देखी हुई है, ये जगह मैंने कहीं पे देखी हुई है। अच्छा ये तो हमारी स्कूल का क्लॉक है, सेम ऐसा क्लॉक हमारी स्कूल पे है, तो शायद स्कूल में हमें कुछ मिल सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, सीधा स्कूल पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या मिलता है। चलो जल्दी से जाते हैं, मेरा फेविकॉल किधर गया, कहीं वो भाग ना गया हो, नहीं तो पंगा हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटे, वो इधर ही घूम रहा है, कहीं और भागा नहीं है। आजा फेविकॉल, अभी वापस से तुम्हारी जरूरत पड़ी है। और ये देखो उसके बदन में भी कुछ व्हाइट फेविकॉल जैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम फेविकॉल रखा है। चलो भाई बैठ जाता हूं मैं। तो फिलहाल हम जाते हैं स्कूल पे, और स्कूल पे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। तो स्कूल जाने के लिए यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं स्कूल पे पहुंचने वाला हूँ, सामने मुझे स्कूल दिख रहा है, और सेम देखो आपको वो घड़ी दिख रही है, सेम घड़ी हमें उस चेस्ट में दिखी थी। तो फिलहाल मैं अपने फेविकॉल को इधर कहीं
ये घास में यहाँ पे रख देता हूँ ताकि वो आराम से यहाँ पे खा पाए। ये साला भूखा बहुत हो जाता है, इसको भूख बहुत लगती है। अरे भाई खा ले, किधर भाग रहा है तू, किधर भाग रहा है, कहीं और भाग मत जाना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे स्कूल के अंदर, और यहाँ पे देखो आप, ये देखो कितने दो दो तिरंगे लगे हुए हैं, हमारा इंडिया का झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों स्कूल की इस घड़ी की खास बात क्या है पता है, इस पे हमेशा 3 बजे रहते हैं। ये घड़ी कब से बंद पड़ी है, जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तब से ये घड़ी बंद पड़ी है। तो आइए अंदर चलते हैं, मैं अपना क्लासरूम भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे स्कूल पे भी कोई नहीं है। तो देखो ये मेरा पूरा स्कूल है, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पे, और ये मेरा क्लासरूम था। देखो काफी बढ़िया क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर बैठती थी, यहाँ पे मैं बैठता था आखिरी बेंच पे ही क्योंकि मुझे यार फर्स्ट बेंच पे बैठना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो चलो फिलहाल यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं, हमें तो ढूंढना है ट्रेजर को। लेकिन यार इतने बड़े स्कूल में हमें ट्रेजर कहाँ पे मिलेगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में ट्रेजर हो सकता है? आइए जाके देखते हैं। भाई यहाँ पे तो प्रिंसिपल भी नहीं है, बस कुछ किताबें रखी हुई है और एक कुर्सी पड़ी है। चलो यहाँ पे तो हमें, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन यही कहीं, ये क्या है, ये क्या लिखा है, लुक हियर। चलो यहाँ पे देखते हैं, शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। यहाँ पे हमें एक किताब मिली है और एक आयरन पिकेक्स मिली है, चलो इसे ले लेते हैं, शायद काम में आ जाए। लेकिन किताब में देखते हैं कि क्या है, चेक रूम नंबर 5.5। ये 55 है कि 5.5 है, आई थिंक ये 5.5 है। तो चलो रूम नंबर 5.5, ऐसा तो रूम नंबर था नहीं हमारे स्कूल में। लेकिन कोई नहीं, आइए देखते, ये एक नंबर है, ये दो, ये है तीन, ये है चार, और पांचवा किधर है, ये है पांच, और ये है छः। तो रूम नंबर 5.5 कहाँ पे होगा, इसके अंदर जाके देखता हूँ। भाई ये रूम तो पूरा खाली है, लगता है स्कूल बंद पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। और ये रूम नंबर 6, इसमें भी कुछ नहीं है भाई। तो ये रूम नंबर 5.5 कहाँ पे मिलेगा भाई, इन दोनों के बीच में शायद कहीं पे होना चाहिए। तो ये 5 नंबर का क्लास है, ये 6 नंबर का क्लास है, तो 5 और 6 के बीच में ही आता है 5.5। तो इसके बीच में क्या हो सकता है, इसके बीच में तो ये वाली लाइन शायद बीच में है, ये 1 2 3 4 5, ये शायद बीच वाली लाइन है, इस पे शायद कुछ हो सकता है। हाँ हमें आयरन पिकेक्स मिली है, शायद इसकी मदद से हम कुछ कर सकते हैं, आइए इसे खोद के देखते हैं। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिला है, शायद इस चेस्ट में हमें कुछ मिल सकता है। तो बताओ क्या करें, उस चेस्ट के अंदर देखें कि ना देखें, आप कुछ भी कहो, मैं तो जाके देखने वाला हूँ, मैं तो इसके अंदर देखने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो ट्रेजर चाहिए ही। तो आइए देखते कि इसके अंदर क्या मिलता है। अरे बाप रे एक कंपास है यहाँ पर, आइए इसे ले लेते हैं, शायद इस कंपास की मदद से हम लोकेशन पता लगा पाए ट्रेजर का। तो ये किधर दिखा रही है, रूम नंबर 6 में दिखा रहा है क्या, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, शायद बाहर जाके देखना पड़ेगा। तो सॉरी मैंने ये तोड़ दिया, इसे वापस लगा देते हैं, चलो वापस ठीक कर लेते हैं। ओ एक ब्लॉक नीचे है, चलो ये रहा, मैंने ब्लॉक ले लिया। और ये देखो हमने पूरा फ्लोर ठीक कर दिया है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे खोदा था। तो आइए चलते हैं बाहर और कंपास हाथ में ले लेते हैं, ये कंपास ही हमें हमारे ट्रेजर की तरफ ले जाएगा ऐसा मुझे लगता है। फिर पता नहीं ये तो शायद बाहर की तरफ रास्ता दिखा रहा है, किस तरफ दिखा रहा है ये। चलो फिर फिलहाल मेरा फेविकॉल किधर गया, ओ भाई मेरा फेविकॉल किधर भाग गया, अरे ये रहा। अरे भाई तू यार कहाँ भाग जाता है यार, मुझे तो टेंशन ही हो गया था। इधरा खाना वाना खा लिया तूने, सारी घास तूने सपाचट कर दी यहाँ पे, अभी कहाँ भाग रहा है, और नहीं खानी तेरे को, और नहीं खानी, आजा हमें ट्रेजर को ढूंढने जाना है। और ये कंपास पता नहीं कहाँ का लोकेशन दिखा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और भाई साहब ये हमारे फेविकॉल ने काफी तगड़ा वाला खाना खा लिया है, कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है, यहाँ से लेफ्ट लेने को बोल रहा है शायद। यार मुझे ये कंपास यूज करना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन चलो इस डायरेक्शन में जाते हैं, शायद कुछ हमें यहाँ पे मिल जाए। और फिलहाल तो ये स्ट्रेट जाने को बोल रहा है, लेकिन यहाँ आगे रास्ता तो बंद है, यहाँ से राइट ले लेता हूँ, और ये फिर भी लेफ्ट दिखा रहा है भाई, शायद इस तरफ कुछ हो सकता है। ये जो झोपड़ी, ये जो अड्डा बना हुआ है, ये अड्डा वही है जहाँ पे वो डाकू रहता था, फिलहाल उनका काम तमाम हो गया है, पुलिस वालों ने उनको पकड़ कर पता नहीं कहाँ पे डाल दिया है। लेकिन फिलहाल ये इधर ही लोकेशन बता रहा है, अभी मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है क्योंकि भाई अंदर कुछ भी हो सकता है, पता नहीं और कोई गुंडों ने इसको अपना अड्डा बना दिया हो। फेविकॉल तू दूर रहना, मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अंदर क्या है, हमें ट्रेजर मिलता है या कोई बड़ा सरप्राइज मिलता है। चलो भाई मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या है अंदर, फिलहाल तो अंदर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कोने में चेक कर लेता हूँ कहीं कोई छिपा बैठा ना हो। फिलहाल ये कंपास नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, आगे की ओर, पीछे की ओर, ये भाई कंपास पागल हो गया क्या, शायद यहाँ पे नीचे कुछ है,
मुझे यहाँ पे नीचे कुछ माइन करना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ मिल जाए। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये भी तोड़ के देखा, चलो और तोड़ के देखा। ओ भाई ये तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं तोड़ देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिख रही है, तो चलो आजू बाजू का एरिया भी क्लियर कर देते हैं। तो ये देखो मैंने आजू बाजू का सारा एरिया क्लियर कर दिया है और इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और इस चेस्ट में शायद हमें कुछ मिल सकता है, या तो नेक्स्ट क्लू मिलेगा या फिर हमें कुछ ट्रेजर मिलने वाला है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं। अरे बाप रे इतने सारे डायमंड्स, ओ भाई इतने सारे डायमंड्स का मैं क्या करूंगा। तो चलो सबसे पहले इसको मैं ले लेता हूँ, इससे पहले कोई यहाँ पे आ जाए। फिलहाल मैंने ये 27 के 27 डायमंड रख लिए है। भाई ये कमाल का ट्रेजर था, 27 डायमंड। मैं इस डायमंड से कुछ भी खरीद सकता हूँ, मजा ही आ गया। क्या खतरनाक, क्या कमाल का ट्रेजर हमें मिला है। ओए फेविकॉल सुन भाई, हमें कुछ कमाल का मिल गया है, हमें ट्रेजर मिल गया है, हमें बहुत सारे डायमंड्स मिले हैं। भाई तेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है डायमंड्स में, भाई तेरे लिए मैं अच्छा घर बनाऊंगा उस डायमंड से। चलो भाई घर चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये ट्रेजर कैसा लगा, ये डायमंड्स कैसे लगे। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।